हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त उमर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिपिक उमर। तो आज की शुरू में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई वीडियो मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट जो है जेके बोपी का फॉर्म भरे, क्या वो फिर पीएम ट्रिपल प्लस के फॉर्म के लिए एलिजिबल है, या पीएम ट्रिपल प्लस का फॉर्म भरे फिर क्या वो जेके बोपी का फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या वो एट टाइम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है आप सब स्टूडेंट्स के लिए जिनने ट्वेल्थ पास किया है या ट्वेल्थ उनका भी रिजल्ट निकलने वाला है। तो चले यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और वीडियो अगर जरा से भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ये रहा मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहां पर भी आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। या आप अपने क्वेश्चन आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो चले यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो है जेके, जैसे कि अभी जेके बोपी का फॉर्म चल रहा है, 22 जून जो है उसकी लास्ट डेट है, और पीएम ट्रिपल प्लस के फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, बहुत ही जल्द वो भी निकलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होता है क्या हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप जी हाँ, आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर जो जेके बोपी का अगर आपने भर लिया, अगर उसकी तब तक जो है मेरिट लिस्ट आ गई, एंट्रेंस एग्जाम का तो मुश्किल लग रहा है, अगर उसकी तब तक जो है मेरिट लिस्ट आ गई तो उसी वक्त अगर पीएम ट्रिपल प्लस का भी फॉर्म निकल गया उसको भी भर सकते हैं। बाद में अगर आपको पीएम ट्रिपल प्लस में सीट निकल जाए तो उसमें आप जेके बोपी, अगर उसमें भी आपको निकल जाए उसकी एडमिशन आप बाद में कैंसिल भी करा सकते हैं। और आप अगर आपको पीएम ट्रिपल प्लस में जाना है, अगर आपको अपना अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा कोर्स मिला, उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पीएम ट्रिपल प्लस में आपको फ्री सब कुछ कराया जाता है, हॉस्टल से लेकर कोर्सेज सब फ्री आपको कराए जाते हैं, और जेके बोपी में सिर्फ आपको कोर्स फ्री कराए जाते हैं, बाकी रहना खाना पीना सब आपको खुद ही अरेंज करना पड़ता है। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जेके पोपी का भी आप भरिए, हो सकता है इसी में आपको सीट निकल जाए, क्योंकि इसमें 8500 प्लस सीट्स होती है और पीएम ट्रिपल्स में खाली 5000 सीट्स होती है। तो और पीएम ट्रिपल प्लस में थोड़े कम चांस होते हैं स्टूडेंट्स के। और पीएम ट्रिपल प्लस का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि उसमें आपको जेएनके के बाहर ही स्टडी करनी पड़ती है, जेके बोपी में आप जेएनके में ही स्टडी कर सकते हो। पीएम ट्रिपल प्लस में जो बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं पढ़ने, वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो हैबिटेट का, वहाँ का जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं अपने जम्मू कश्मीर में। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप जेके बोपी का भी भर रहे हो तो पीएम ट्रिपल प्लस का भी भर लेना, हो सकता है उसमें भी अगर आपकी सीट निकल जाए, फिर आपको अपनी मर्जी है कि आप किस कोर्स में जाए, क्योंकि पीएम ट्रेवलर्स में आपको अच्छे अच्छे कोर्स मिलते हैं, बी फार्मेसी मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मिलते हैं, इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे कोर्स मिलते हैं वहाँ पर। आप दोनों को भर सकते हैं, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों फॉर्म आप आराम से भर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यही था इस वीडियो में फुल अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।